डायबिटिक पेशेंट को एग का येलो पोर्शन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर वो खा सकता है तो कितने एग येलो एक दिन में खा सकता है, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी का मिशन है कि 2047 जब भारत देश आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहा हो, तब तक हम हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह इरेडिकेट कर दें, और हमें इसमें आपका बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस मिशन में, एंड आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के कारण डायबेक्सी आटा अमेजॉन इंडिया पर टॉप 50 रैंकिंग में आ गया है, और डायबेक्सी एलमंड कुकीज अमेजॉन इंडिया पर टॉप 20 रैंकिंग में आ गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नॉलेज, डिसिप्लिन एंड डायबेक्सी, इन तीनों चीजों को आप यूज करेंगे तो आप देखिए फिर कितना फायदा आपको होगा। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा आपको। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है कि क्या डायबिटिक पेशेंट एग का येलो पोर्शन यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आपको डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में या डायबिटीज मैनेजमेंट की डाइट में ऐड करना हो, तो वो फूड प्रोडक्ट का तीन चीजें आपको देखने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें, फिर उसका पीएफ वैल्यू देखें, फिर उसका ग्लाइसेमिक लोड देखें। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट खाने लायक है या प्रोडक्ट खाने लायक नहीं है। जिस चीज का ग्लाइसेमिक लोड कम होता है वो डायबिटिक फूड के लिए अच्छा होता है। तो अब हम एग येलो का न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली येलो पोर्शन का हम देख रहे हैं। तो एग येलो में अप्रोक्सीमेटली 53% तो पानी होता है, 26% उसमें फैट होता है, 16% के आसपास उसमें प्रोटीन होता है, और कार्बोहाइड्रेट जीरो है। कार्बोहाइड्रेट जीरो है तो इसका मतलब फाइबर भी जीरो होगा। अब कार्बोहाइड्रेट जीरो है तो फाइबर जीरो कैसे होगा? जो भी फाइबर्स होते हैं वो सारे जो फाइबर हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे आप हमारा डायबेक्सी शुगर आप देखेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट तो 100 है, लेकिन नेट कार्बोहाइड्रेट जीरो है। क्यों? क्योंकि वो उसमें सारे फाइबर्स हैं वो, और वो फाइबर अगर काउंट करेंगे लेबोरेटरी वैल्यू तो कार्बोहाइड्रेट की आएगी, लेकिन वो सारे फाइबर हैं उनका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो फाइबर को इसलिए उनका नेट कार्बोहाइड्रेट जो है जीरो आ जाता है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट और सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट फाइबर है तो नेट कार्बोहाइड्रेट जीरो हो जाता है। तो दिस इज हाउ फाइबर और कार्बोहाइड्रेट आप जब भी किसी फूड प्रोडक्ट में देखें तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एग के येलो के केस में हम देख रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जीरो है। जब कार्बोहाइड्रेट जीरो है तो इसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जीरो होगा, ग्लाइसेमिक लोड भी जीरो होगा, और पीएफ वैल्यू भी ठीक होगा, क्योंकि फैट उसमें है, पानी उसमें है, और उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से जो एग है उसको डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में, डायबिटीज मैनेजमेंट की डाइट में उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ जाएगी। चलिए भाई, ग्लाइसेमिक लोड के बेसिस पे तो ये ठीक लग रहा है, इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल का क्या? क्योंकि एग येलो पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल रहता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, और उससे आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, और उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके बारे में अब हमें एग का क्या करें, उसके बारे में क्या हमें समझने की जरूरत है? तो इसको समझने की जरूरत है आपको कि कोलेस्ट्रॉल से ना डरें आप। कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक RDA नहीं ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक ये वैल्यू होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जब भी आप देखेंगे RDA का क्या मतलब होता है कि जो हमारे इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो RDA वैल्यू तय करता है
कि कौन से फूड का कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू है और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना आपको लेना है। फॉर एग्जांपल दिन में फैट कितना खाना है, प्रोटीन कितना खाना है, विटामिन B1, B2, B6 कितना खाना है आपको, फोलिक एसिड कितना खाना, आयरन कितना, जिंक कितना, मैग्नीशियम कितना, ये सारी चीज़ें वो RDO वैल्यू में डिफाइन करते हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो RDO वैल्यू में रहती हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो RDO वैल्यू में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी RDA वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल आप डाइट में खाएं या नहीं खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी बॉडी अपना कोलेस्ट्रॉल खुद ही बना लेती है। जी हाँ, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो फैक्ट्री है वो है लीवर। लीवर अपने आप जितनी जरूरत होती है उतना कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। तो हम बाहर से खाएं या ना खाएं उससे उस पर हमारी बॉडी डिपेंडेंट नहीं है। अब जो ये लीवर है ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कब बनाता है? जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहता है। और इंसुलिन का लेवल ब्लड में कब ज्यादा होता है? जब हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होगा तो ब्लड में शुगर ज्यादा जाएगा और वो ज्यादा शुगर इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा, और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो वो लीवर को पुश करेगा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो अंदर लीवर ने बनाया उसकी है। और वो क्यों बनाया? क्योंकि डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है। तो अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिए कि 75% कोलेस्ट्रॉल, ये स्टडीज कहती हैं कि जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसका 75% हिस्सा लीवर अंदर ही बनाता है और मात्र 25% हम जो खाना खाते हैं उससे आता है। अब देखिए, जो आप खाना खाते हैं वो डायरेक्टली जाके बॉडी में नहीं चिपक जाता। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने चिकन खाना शुरू किया तो आपकी मसल बन जाएंगी 2-4 दिन में। वो जो चिकन खाते हैं उसका लेग पीस ऐसा नहीं कि आपके लेग पीस में जाके मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो जैसे मान लीजिए आपने चिकन खाया तो वो डाइजेस्ट होके उसमें से अमीनो एसिड निकलेंगे और वो अमीनो एसिड मसल सेल के पास में जाएंगे और मसल सेल नई मसल सेल बनाएगी अगर उसको जरूरत है तो। और कब जरूरत पड़ेगी? अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो मसल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, मसल फाइबर वहां पे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो प्रोटीन खाने से मसल बढ़ेगा कब? जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ये सोचें कि प्रोटीन खा के लेट जाओ सो जाओ और एक्सरसाइज ना करो और मसल बन जाएंगे आपकी, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिना एक्सरसाइज के किसी की मसल नहीं बनने वाली। एक्सरसाइज करें और प्रोटीन खाएं तो मसल की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसी तरीके से जो भी आप खाना खाते हैं, कोई भी फूड डायरेक्टली बॉडी में अंदर नहीं जाता, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका डाइजेशन होता है, तब उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं तब वो बॉडी उसको यूज कर पाती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहा है। अब नया सवाल आ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, या नॉर्मल वैल्यू पर रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पर हमें रखना चाहिए। तो इसके बारे में ये कुछ स्टडीज़ हैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप जरा। अभी पिछले साल दिसंबर 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुआ, जब कोरोना वायरस ये सब टाइम चल रहा है आजकल, तो उसी टाइम पे उन्होंने ये स्टडी पब्लिश किया और ये बताया कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम था उनकी कोरोना से ज़्यादा डेथ हुई है। रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम था उनकी कोरोना से ज़्यादा डेथ हो गई है। ये पिछले साल की स्टडी है, 2020 ईयर। अच्छा, और इससे 18 साल पहले ईयर 2003 वहां पे भी स्टडी पब्लिश हुई और ये QJM मेडिकल जर्नल है, उसमें ये स्टडी पब्लिश हुई 2003 में। और उन्होंने स्टडी करके कंपेयर करके लेबोरेटरी इविडेंस उन्होंने दिया है कि ये कोलेस्ट्रॉल कितना बेनिफिशियल है उसको देखिए। तो इन्होंने स्टडी क्या किया उसको थोड़ा बताता हूँ मैं आपको कि उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ चूहे लिए। अच्छा, उससे पहले थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में जाता है तो अपना जहर छोड़ता है जिसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, और वो जहर जब छोड़ता है उसी के कारण हमारी बॉडी में बुखार चढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज होता है हमारा। तो अब साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि 2 ग्रुप ऑफ चूहे लिए, एक ग्रुप ऑफ चूहे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया
हाई कोलेस्ट्रॉल कर दिया और दूसरे ग्रुप ऑफ चूहे का कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया और दोनों को ये दोनों ग्रुप में ये एंडोटॉक्सिन वाला इंजेक्शन दे दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस ग्रुप में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है वहां पे डेथ रेट बहुत कम है, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। उसका बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन है उसका इंजेक्शन लगाने का, बैक्टीरिया का जहर लगा दे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां पे कोलेस्ट्रॉल कम था वहां पे जब इंजेक्शन लगाया तो वहां डेथ रेट ज्यादा था, वो बहुत से चूहे मर गए उससे, उस इंजेक्शन के कारण। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि अरे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, ज्यादा इन्फेक्शन को झेल पा रहा है आदमी। तो फिर इसको और डीपर स्टडी किया गया और पता लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो कोलेस्ट्रॉल का है कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का टॉक्सिन है या कोई और भी इन्फ्लेमेशन है, तो जहां इन्फ्लेमेशन होती है, टॉक्सिन होती है, वहां दौड़ा दौड़ा कोलेस्ट्रॉल चला जाता है और कोलेस्ट्रॉल जाके जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, जो जहर है, उसको पी लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी जान बचाता है। कोलेस्ट्रॉल तो समझ लीजिए शंकर भगवान जैसा है, आपकी जान बचाने के लिए जहर खुद पी लेता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपकी जान बचाना चाहता है, तो आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन है आपकी आदतें, आपकी ग्रीड और वो वाला फूड जो जिसको हम कहते हैं जंक फूड, जिसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा है, एकदम रिफाइंड है, मैदे मैदे से बना हुआ है। जो ये जंक फूड है, मैदा और चीनी से जो बना हुआ जो फूड है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसका ग्लाइसेमिक लोड हाई है और इसमें टॉक्सिन्स ज्यादा निकलते हैं, फ्री रेडिकल ज्यादा निकलते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ा देता है और उसके कारण फिर बीमारियां पैदा करता है। उसी के कारण ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज करके हार्ट डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आदतें बदलने की जरूरत है। और आदत कौन सी? फूड हैबिट, क्या आपको खाना है। तो फूड हैबिट कौन सी अच्छी होती है? जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, जिसमें नेचुरल फूड हो, विटामिन मिनरल भरपूर मात्रा में हो और बॉडी को कम से कम 12 घंटे का डेली फास्टिंग विंडो देना है। अगर 12 घंटे का फास्टिंग विंडो नहीं होगा तो बॉडी में टॉक्सिन एक्युमुलेट होने लगेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम चोक होने लगेगा, जाम होने लगेगा और जब लिम्फेटिक सिस्टम जाम होगा, बॉडी में गंदगी पैदा होगी, तो उससे बीमारियां पैदा होंगी। तो फूड आपको बचा सकता है, ठीक है। तो एग का जो येलो पोर्शन है उसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अब हमने समझ लिया कि भाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से तो फायदा दिख रहा है, तो क्यों ना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने दें, रहने दें, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो अगर आपकी फूड हैबिट ठीक है तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। जैसे हमने कहा 200 यूनिट कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 यूनिट ठीक है, तो अगर वो 210 है, 220 है, तो भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर वो 100 पे है तो खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा तो 200 की बजाय 100 ही कोलेस्ट्रॉल है, तो वो भी अच्छी कंडीशन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बॉडी में और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताता हूं आपको कोलेस्ट्रॉल को, बहुत इंपॉर्टेंट। मेल और फीमेल के जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हॉर्मोन नहीं होंगे। कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एग खा सकते हैं। अब कितना एग खाएं हम, कितने एग ले सकते हैं? तो 100 ग्राम जो एग है, 100 ग्राम में नॉर्मली मोटे एग हो तो 2 एग आते हैं और छोटे एग हो तो 3 एग आ जाते हैं 100 ग्राम जब आप उसको तोलेंगे। तो 100 ग्राम एग्स पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं होल एग। एज पर माई ओपिनियन 100 ग्राम एग पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100 ग्राम एग खाना है तो उसके साथ 200 ग्राम वेजिटेबल भी खाना है, क्योंकि जितना प्रोटीन है उसका 2 गुना वेजिटेबल्स भी आपको साथ में खाना है। अभी आपने देखा एग में फाइबर नहीं है, वेजिटेबल्स में फाइबर है। तो इस तरीके से अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना के खाएंगे तो अंडा खाने से, एग खाने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।